आज मैं लेकर आई हूँ पराठे की रेसिपी। वैसे हर वेजिटेबल का पराठा हमें पसंद होता है, लेकिन आज में हम बनाएंगे ग्रीन गार्लिक पराठा। जी हाँ, हरे लहसुन का पराठा लच्छेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। वैसे आप ये पराठे की खास बात ये होती है ना कि आप इस पराठे को ना बिना सब्जी के खा सकते हैं, सिर्फ चटनी के सहारे। इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे तैयार किया है। ग्रीन गार्लिक पराठा बनाने के लिए एक मिक्सी बाउल में एक कप हम गेहूं का आटा लेंगे और एक कप मैदा। आप चाहे ना तो प्रॉपर गेहूं का भी आटे से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हरा लहसुन लिया है और इसके जो ग्रीन वाला पोर्शन है हमें उसका इस्तेमाल करना है। वाइट वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि पेपरिका। अब जाएगा इसके अंदर कसा हुआ अदरक। अदरक को हमने थोड़ा सा कूट लिया है, बस थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर चाट मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे। आप चाहे तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। वैसे जो हरा लहसुन होता है ना, उसके वाइट वाला पोर्शन हम इसलिए इसमें ऐड नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब भी हम पराठे बेलेंगे ना तो अच्छे से शेप नहीं लेगा, तो हम इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। अब ग्रीन वाला पोर्शन हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, डो तो मैंने अच्छे से इसे सेट करने के लिए हम छोड़ देंगे तो 5 से 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ऊपरी सरफेस पे ऑयल लगाकर। तो छोड़ दिया मैंने इसे 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए ये देखिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इस तरह से मीडियम हमें डो चाहिए। अब हम इस डो के 3 हिस्से कर लेंगे। तो चलिए, इसे मैंने 3 हिस्सों में कर लिया है। अब इसका एक लुआ लेंगे और इसकी एक बड़ी सी हमें रोटी को बेल लेना है। थोड़ा सा हम सूखा आटा इसमें डस करेंगे और एक बड़ी सी चपाती को हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बस इस तरह से रोटी को हमें बेल लेना है। जब रोटी को हम अच्छे से बेल लेंगे ना, तब हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो 1 चम्मच हमने मैदा लिया है और 1 चम्मच ऑयल। इस तरह से साटा बनाकर हमने तैयार कर लिया है और पूरी रोटी पे हम फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मत फैलाइएगा, बस थोड़ा ही हमने साटा ऐड करना है और अच्छे से इसे फैला देना है। चलिए, अब एक कटर लेंगे और इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे हम इसे कट लगा देंगे। आप चाहे तो नाइफ की हेल्प से भी इसे कट लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। बस कट लगाने के बाद अब वाला छोटे वाला जो पोर्शन है ना, इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो दोनों साइड जो छोटे पोर्शन है ना, सबसे पहले हम उसे रोल करेंगे ताकि वो पराठे में अंदर की साइड हो जाए और जितने भी बड़े कट हैं वो बाहर की साइड में। देखिए इस तरह से, वन साइड इधर से और वन साइड उधर से। तो दोनों साइड से लगाते हुए हम इस तरह से हमें रोल कर लेना है और हल्के हाथे से ही रोल करना है, ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सभी पराठे बनाकर रेडी कर लेने हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए, अब इसके पराठे हम बेल लेते हैं। इसके ऊपर हम सूखा आटा लगा देंगे और इस तरह से हम पराठे बेल लेंगे। लेकिन जब भी हम पराठे बेलेंगे ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से पराठे हम ना बेलें, वरना इसकी जो लेयर है वो चिपक जाएगी आपस में और खुल नहीं पाएगी। तो हल्के हाथ से ही बेलन चलाइए। तो चलिए सेक लेते हैं। गैस पे हमने इस तरह से एक तवा रख लिया है और इसमें डाल देंगे पहला पराठा। और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। जब वन साइड थोड़ा सा हो जाए हम इसे टर्न कर लेंगे। दूसरी साइड को हम अच्छे से कुक कर लेंगे और इसकी ऊपरी साइड को हम ऑयल, बटर, घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बस डाल दीजिए और इसे टर्न कर लीजिए। अब दूसरी साइड में भी हम ऑयल, घी, बटर हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसमें फैला देंगे। जैसे जैसे हम इसमें घी या ऑयल ऐड करेंगे ना, तो इसकी जितनी भी परतें हैं ना वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और गैस की जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारे पराठे ना क्रिस्पी हो चुके हैं और इतना बढ़िया हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए, अब इसी तरह से हम सभी पराठे को फ्राई कर लेते हैं और फटाफट से इस पराठे को हम सर्व करते हैं। तो फिर चलिए, रेडी हो चुका है हमारा गर्मा गर्म ग्रीन गार्लिक लच्छा पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। आप देख सकते हैं ना, इसकी परतें कितनी खुल गई है। और मैंने इसे सर्व किया है बटर के साथ। थोड़ी सी इसे गार्निशिंग कर देंगे हरा लहसुन के साथ, जिसे देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और मैंने चटनी के साथ और दही के साथ इसे मैंने परोसा है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिर चलिए, अब हम इसे तोड़ के भी देख लेते हैं। ये देखिए, सारी परतें खुल चुकी है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ग्रीन गार्लिक लच्छा पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।